नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा त्रिपाठी। ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि पानी पर ही हमारे जीवन और सारे जीवों का आधार टिका है, लेकिन अब ना तो नीला आसमान दिखाई देता है और ना ही निर्मल जल। यहाँ तक कि पैरों के नीचे का जल यानी भूमिगत जल भी खिसक रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक भारत के 21 शहरों में भूमिगत जल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पानी को लेकर हम डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शब्द जल आपूर्ति के अंत और उसके बाद होने वाले हाहाकार की सूचना देता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरणविद और भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। देश के जिन इलाकों को बिना पानी वाला डार्क जोन घोषित कर दिया गया था, उनमें से बहुत सारी जगहों पर राजेंद्र सिंह जी पानी और हरियाली लेकर आए। आज राजेंद्र सिंह जी अपना पानी वाला नायाब फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रेमपाल शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेमपाल शर्मा जी कहानी, उपन्यास, कविता, लेख, व्यंग्य आदि अनेक विधाओं में अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। वो रेलवे बोर्ड के पूर्व संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। आइए हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहती हूँ कि एक वक्त है जब नल में अगर पानी आना बंद हो जाए तो लोग शायद पानी के महत्व को समझेंगे। पानी के महत्व को समझने के लिए आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। आए दिन हमारे सामने कई तरह के आंकड़े आ जाते हैं जो हमें डराते हैं, संभलने की चेतावनी देते हैं कि अभी संभल जाओ वरना आने वाला वक्त जो है आपको परेशान कर सकता है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जमीनी स्तर पर कितने, इनसे कितना फर्क पड़ता है? देखिए, आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है, पर आंकड़े कई बार हमें सचेत करते हैं हमारा जो आने वाला संकट है, जो भविष्य है, उसकी तरफ हमारे रियलाइजेशन को, एहसास को जगाते हैं और हमें विश्वास कराते हैं कि यदि ये पानीदार भारत के गांव बेपानी होकर उजड़ेंगे जी, जैसे दक्षिण और केंद्रीय एशियन देश उजड़ रहे हैं, अफ्रीकन देश उजड़ रहे हैं और उजड़कर बेपानी होकर दुनिया में ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ लोगों ने अपना पानी बचा के रखा, खासकर यूरोप के जो भूजल के भंडार हैं वो भरे हुए हैं। तो मैंने ये देखा पिछले 5 सालों में, जिसको बहुत ख़ास तौर पे अध्ययन किया, कि जिन देशों में जीरो डेज अनाउंस हुआ वो जा कहाँ रहे हैं जी। तो पता चला कि यूरोप के खासकर वो देश जिन्होंने अपने सतही जल, भूजल, उस सब को बचा के रखा और जिनके पास पर्याप्त जल है, तो ये उजड़ने वाले लोग उन देशों में जा रहे हैं। लेकिन उन देशों में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इनको। उन्होंने अपने अपनी जो चांसलर हैं, अपने जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी वोट में, चुनाव में बदल दिया। तो जो आज उजाड़ है वो उजाड़ सचमुच बहुत भयानक है। माफ करना, अभी भारत के लोग केवल अपने गांव से बेपानी होकर शहर तक आते हैं जी, जी, जी। पर ये जो अगले आने वाले 5 साल हैं जी, वो तो इतने भयावह स्थिति बताते हैं जी, कि हम लोगों को अपना देश छोड़कर कहीं वैसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पानी होगा। एक जमाना था जब मुझे आजादी मिली, मेरा देश आजाद हुआ जी, तब हमारे भूजल के भंडार भरे हुए थे जी। हमारा पेट जरूर खाली था, हमारे पास थोड़ी अनाज की कमी थी जी। लेकिन हमने जिस तरह से भूजल के भंडारों को खाली किया जी। हमारे जो भूजल के जो बैंक थे वो सब इस वक्त 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। जिस कंट्री के 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो, ये सिनेरियो बताता है हमारा भविष्य का खतरा। तो ये जो भविष्य का खतरा है, इसमें अभी मोटे तौर पर ये देखने को आ रहा है कि चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक का धारवाड़, हुबली, ये पूरा इलाका हो, और चाहे तमिलनाडु हो, इन सब राज्यों में अब इस साल 13 राज्यों के
327 जिलों में जिलों में बेपानी पानी, है, और वो इसमें उजड़ के, हाँ तमिलनाडु सबसे ऊपर है, हाँ सबसे ऊपर तमिलनाडु है सबसे, जी, और वो महाराष्ट्र भी महाराष्ट्र है बीच में उजड़ के गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं। आ रहे हैं अब जब गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं तो शहर का जो लैंडस्केप है जी जी वो और डेंजरस बनता जाता जी है, जी फिर उनको पानी कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही मैं ये बात हंसते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये जो बुरे दिन दिख रहे हैं जी जी वो जी सचमुच मुझे कभी हंसाते हैं और कभी रुलाते हैं जी कि क्या हो गया एक पानीदार भारत बेपानी होने के रास्ते पर जा रहा है। एक और इश्यू जो आता है सर, वो आता है कि जो पानी है वो दूषित भी होता जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है पानी लगातार। आप ग्राउंड वाटर की बात करें या जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनमें भी जो पानी है उनका वो प्रदूषित हो रहा है, तो वो कितना खतरनाक है प्रेमपाल ये जी। मैं राजेंद्र जी की एक बात से बस असहमत हो रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें वाकई डरने की जरूरत है। जी और संयुक्त राष्ट्र की ऐसी जो रिपोर्ट आती हैं जी तभी हमारा समाज और हमारी सरकारें थोड़ा जगती हैं। राजेंद्र जी वर्षों से लगे हुए हैं, जी जी बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन 3 दशक सरकार के कानों शायद पर सर चूं नहीं रेंगती। ने ए, ए, अब ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें आपने तो 1920 की संभावना और अंधेरा दो हजार बीस दिखाया, में उनकी क्या रिपोर्ट एक रहेगा। मुझे याद है कि 2050 तक तो हम बहुत बड़े संकट में आने हाँ वाले हाँ हैं। हाँ ये और भी उस है सर रिपोर्ट की मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं कि सबसे बड़ा संकट तो हमारे नवजात बच्चों पर आ रहा है आने वाली कि पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी की, उनके लिए अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है तो उनको डायरिया या दूसरी बीमारियां पानी के खराब होने से, जी जी तो जी अगली जनरेशन पर असर आ जी रहा है। राजेंद्र सिंह जी, आपको तो पानी का डॉक्टर कहना देखिए चाहिए, आप पानी की नब्ज समझते हैं, किन शहरों को सचेत करना चाहेंगे भारत के। मैं पहले तो मैं डराना नहीं चाहता, जो जी जी लोग जी डरपोक बिल्कुल होते हैं वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं करते। जी सही बात तो एक तो पहले तो हमारे मन से डर निकले, और फिर जो भी भारत की धरती पर भूमि पर जल बरसता जी है उसको हम प्यार से सहेजना शुरू करें। जब राजस्थान गए तो हमें ये एहसास हुआ कि पहले तो बरसता बहुत कम है और जो बरसता है उसको सूरज चोरी कर लेता है। जी तो जी फिर हमने ऐसा विज्ञान सोचा, जी जी खोजा कि हम सूरज की चोरी कैसे रोक कैसे सकते रोक हैं, सकते और हमें हैं वो विज्ञान मिल गया। जी जब जी आपकी हम आवश्यकता हाँ होती है तो जी 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 आविष्कार हो ही जाता है। जी तो हमने धरती में जहाँ वर्टिकल कन्फाइंड फ्रैक्चर्स जी थे जी जी उनको जानने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो हमने जहाँ लंबी पेड़ वाले लंबे जड़ हैं हाँ 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 वहां वर्टिकल कन्फाइंड फ्रैक्चर होते हैं, और जहां जंगल नहीं होते, पेड़ नहीं होते, वहां हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं। तो हमने जो भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन की पानी की वो धरती के जी ऊपर ज्यादा पानी रोकने वाली नहीं, बल्कि ऊपर जो बारिश का पानी आया जी जी उसको जी धरती के पेट में डालने वाली शुरू जी की। जी जी इसीलिए तो हम, जब हमने काम शुरू किया था तब हमारा इलाका डार्क जोन था, लेकिन अभी अब इलाका फल फूल बदल रहा गया, अभी है हम पानीदार हो गए। तो इस सिंपल, बहुत हाँ सिंपल साइंस नहीं, थी। आपने बहुत अच्छा बताया इस कि जहां इसराइल है उसके पास पानी नहीं है, तो जी वो जी पानी की तलाश में हमसे बेहतर प्रयोग किए, जी 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 राजस्थान में नहीं है, जी जी तो ये बहुत बड़ा तथ्य है। हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने 40 साल पहले अपने गांव में, जो जी 1980 के आसपास जब छोड़ा, जी तो कुछ जिनको ये राजस्थान में जोहड़ कहते हैं, जी जी हम उसे पोखर कहते हैं। ये जोहर तकनीक और इससे जुड़ी तमाम बातों पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल संरक्षण के भारतीय मसीहा श्री अनुपम मिश्र जी की एक किताब, यहाँ पर मैं इससे कुछ चंद लाइनें पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। वो लिखते हैं, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की, ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। लेकिन पिछले 200 बरसों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य में बना बदल दिया है। राजेंद्र जी,
क्या अनुपम जी यहाँ पर गांव के लोग और शहर के लोगों की बात कर रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा गांव के लोगों ने मिलकर के और इसको बनाया, लेकिन जो पढ़ा लिखा थोड़ा पढ़ा लिखा समाज जो है वो इसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या गांव और शहर की बात हो रही है आपको लगता है? अनुपम जी ने जब ये किताब लिखना शुरू किया तब तक हमारे सैकड़ों तालाब बन गए थे जी 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 जो लोगों ने बनाए थे, जी लोकल लोगों ने बनाए थे, और वो उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी समझ से बनाए थे। हम उनके बस बीच में उनको एहसास कराने वाले, उनको जोड़ने वाले ही भूमिका हमारी थी। अनुपम जी ने जिस तरीके से भारतीय ज्ञान को, पानी के ज्ञान को, तालाबों को और पानी की परंपरा को पुनर्जीवित करने का साहित्य में बड़ा योगदान दिया। जी जी हम लोग जो जमीन पे काम करते थे जी उसको वो बड़े सही मन से, सही समझ से पहचान पाते थे, जी और उन्होंने इस पुस्तक में लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छे से लिख के लोगों तक पहुंचाया। जी जी मेरा कहना ये है कि जो जो समाज आज पढ़ रहा है और जिसको सब आधुनिक शिक्षा मिल रही है, जी इंजीनियर है और टेक्नोक्रेट्स है, जी वो सब केवल शोषण की तकनीक पढ़ता है। जी सारी IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज जी हमें एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोइटेशन पढ़ाते हैं, मैक्सिमम अच्छा यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के जी लिए, जी जी लेकिन इस धरती का पोषण करने वाले, इस धरती का जो सेहत है उसको ठीक करने वाले काम कोई नहीं कर रहा है। जी 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 ये पुस्तक एक तरह से धरती का रक्षण, संरक्षण, पोषण और समाज को ऐसे शिक्षण की तरफ मोड़ती है जिसमें मानव जीवन और जल जी और नदी, तालाब, इन सब का समान सम्मान उभरता है। जी 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 इसलिए आज हमें ऐसी पुस्तकों की बहुत ज़रूरत है, जी और ये जिस जो पुस्तक जिस तरफ संकेत देती है जी उसमें हमें अब इस 21वीं शताब्दी में आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जी जैसे शहरों में हर घर के सामने आजकल एक बोरिंग है, बोरिंग इस चीज के लिए कि हम अपनी जरूरत का पानी जमीन से खींच लें, पर इस तरह के किसी बोरिंग बनाने की बात नहीं होती कि वहां पर इतना पानी इकट्ठा हो जाए कि पूरे एक मोहल्ले को वहां से पानी एक स्रोत मिल जाए पानी का और उस पे इस्तेमाल किया जाए। शर्मा जी आप क्या कहेंगे नहीं, इसमें? राजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो शिक्षा हमें और अपने संसाधनों को बेहतर करने के लिए सिखाई जानी थी, शायद हम उसे भूलते जा रहे हैं। अब शहर की स्थितियां कई तरह से बड़ी परेशान करती हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने टब बनाए हुए हैं, अब उस टब में 20 गुना पानी ज्यादा, मुझे बहते लगता है हैं कि सरकार को इस पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। टॉयलेट का पानी, मैं कहूंगा कि शहरी जिम्मेदार ज्यादा हैं गांव से। गांव के साथ जिम्मेदारी है कि उन्हें शायद अपनी पोखर, जोहर, कुएं, उसका महत्व समझाया जाए, जैसा रायन जी ने कहा है, तो वो लौट के आ सकते हैं। तो कहीं ये मैंने ये भी जी पढ़ा कि कृषि में बहुत ज्यादा भूमिगत जल जो है वो इस्तेमाल हो जाता है राजेंद्र जी, तो कृषि से कैसे पानी को देखिए, खिंचाया जाए, आज क्या करें? भारत में 84% पानी धरती के पेट से निकाल के हम अनुत्पादन कर रहे हैं। ओहो हमें अन्न के उत्पादन की जरूरत है, इसलिए कुछ पानी तो हमें लगेगा, लेकिन ये जो बाजारू खेती है, ये जो हमारा मॉडर्न एग्रो बिजनेस हुआ, इसने हमारे किसानों को अपने वर्षा चक्र के मूल ज्ञान की भूल पैदा कर दी है। जी अब इस देश में एक किसान ऐसा नहीं है जो आने वाली वर्षा को अज्यूम कर सके, आने वाली वर्षा का अंदाज लगा सके, जी और उसका अंदाज लगा के जो अपना सोइंग सिस्टम है, जो बीज बोने का तंत्र है, जिसके लिए वो पलेवा करके भी, अब जो पलेवा हो रहा है उसके लिए भी धरती से पानी निकाल रहे हैं, जी जी या जी फिर यदि नहरों ने थोड़ा पानी दे भी दिया है नदियों को सुखा के, नदियों की हत्या करके, तो उस पानी का मिसयूज हो रहा है, बहुत तेजी से बर्बादी हो रही है। मेरा कहना यह है कि इस वक्त, इस 21वीं शताब्दी में फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। ओके यदि हमने अपने फसल चक्र को अपनी वर्षा चक्र के साथ नहीं जोड़ा तो अब भारत बेपानी हो जाएगा। माफ करना, मैं जरा जी सीधी और सख्त बात कह रहा हूं, नहीं नहीं बिल्कुल हम सही इस बात है देश को यदि पानीदार बना के रखना है तो भारत की खेती को एक अनुशासित तौर पर पानी के उपयोग की व्यवस्था बनानी ही होगी। और भारत में जो खेती में जल उपयोग दक्षता है,
जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना होगा। यदि किसान हमारे वर्षा चक्र को समझकर अपना फसल चक्र सुनिश्चित नहीं करेगा तो माफ करना हमारे बुरे दिन है। चीन से एक छोटा सा कंपैरिजन है शर्मा जी कि चीन में भूमिगत जल भारत के मुकाबले, हम भारत में भूमिगत जल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में और अन्न कम पैदा कर रहे हैं, चीन के मुकाबले अगर हम देखें तो वहां से भूमिगत जल हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चीन का एक षड्यंत्र नहीं जानती हैं जी। चीन ने पूरी दुनिया में, अफ्रीका में और सेंट्रल और एशियन कंट्रीज में जो अंडरग्राउंड एक्वीफर्स हैं उनको पूरा खरीद लिया है। अच्छा। और वो भूजल के भंडार पूरी दुनिया में खरीदते जा रहे हैं। भारत अपने भूजल के भंडारों के बारे में बेफिक्र होके बेचिंतित होके सो रहा है। इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ कि भैया अभी भी मत डरो, अभी भी खड़े हो जाओ और अपना पानी को बचा के ये जो भूजल के भंडार खाली हो रहे हैं इनको जरा भरने की कोशिश करो। और थोड़ा बहुत चाइना से भी सीख सकते हो कि उन्होंने अपने भूजल के भंडारों के प्रति कितनी समझदारी से उनको बचाने की कोशिश की है और वो बचाए हुए हैं। हम आज मुझे मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा है इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। हम भारत के लोग जो कि पानी के दुनिया के गुरु थे, हम ग्लोबल टीचर थे, हम दुनिया को पानी, प्रकृति, पंचतत्व ये सब समझाने के लायक थे। आज हमने अपने भूजल के भंडारों की चिंता बिल्कुल छोड़ दी है। आज हम भूजल के जो बैंक हैं हमारे वो 70% खाली हो जाए और हमें कोई चिंता ही ना हो, या फिर वो प्रदूषित हो जाए, या वो प्रदूषित हो जाए पीने के लायक ना हो, 70% पानी हम पीने लायक नहीं बचा। और ये सबसे बड़ा त्रासदी है कि उत्तर भारत जहाँ गंगा यमुना भरी लगातार रहती हैं और वहाँ पानी की स्थिति ऐसी हो जाए कि स्टेशन पर जाओ तब भी बोतल, एयरपोर्ट पर जाओ पानी की बोतल लगातार। मुझे लगता है कि ये कितनी तरह के प्रदूषण फैल रहे हैं। चाइना ने पानी का बाजार खड़ा नहीं होने दिया, भारत में पूरा पानी का बाजार बन गया। हर गांव में चले जाइए आपको पानी की बोतल मिल जाएगी, आपको दूध नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगी, लेकिन पानी की बोतल बाजार की दुकान पे मिल जाएगी। तो ये जो नया पानी का बाजार बन रहा है ये जीरो डेज बना रहा है। तो जीरो डेज का यदि आपको हिस्ट्री समझ रहा है तो आपको फिर पानी के नए आधुनिक बाजार पर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि यदि इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं तो अभी भी वक्त है हमें। हम प्राइवेटाइजेशन, पानी का प्राइवेटाइजेशन ना होने दें अपने देश में, उसका सामुदायिकरण करें। भारत के लोग जब सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करेंगे तब भारत के लोग पानीदार होंगे। यदि भारत अभी भी अपने को पानीदार बनाना चाहता है तो निजीकरण बंद हो, पानी का भारत में सामुदायिकरण हो और उसका विकेंद्रित जल प्रबंधन होगा। और विकेंद्रित जल प्रबंधन जो शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे गांव के जो तालाब थे वो था कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। एक बात अच्छी बात है आपने सर, एक ब्रेक ले लो और उसके बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम रिवर्स माइग्रेशन पर भी बात करेंगे हमारे मेहमानों से। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजेंद्र जी, मैंने आपके कुछ वक्तव्य पढ़े जिसमें रिवर्स माइग्रेशन का जिक्र है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब हमने पानी का काम शुरू किया तब हमारे सारे गांव खाली हो गए थे। गांव में लाचारी, बेकारी और बीमारी दिखती थी। और जो गांव में थोड़े से बूढ़े लोग रहते थे उनको रतौंधी रोग था। अच्छा। तो मैं तो डॉक्टर था, मैंने उनके रतौंधी का इलाज शुरू किया। जी जी। और इलाज के बाद जब मुझे बूढ़े बाबा मांगू काका ने कहा कि भैया ये आदमी का इलाज मत करे, ये बड़ा लालची और स्वार्थी है, इसका इलाज बंद कर, तू तो धरती का इलाज कर और धरती का इलाज ये पानी रोक के धरती का पेट पानी से भर दे, तो ये जो लोग गांव छोड़ के चले गए सब वापस गांव आ जाएंगे और खेती करने लगेंगे। तो किस किस का इलाज करेगा और कितने लोगों का इलाज करेगा और तेरे इलाज से कितने लोग ठीक हो जाएंगे? तू तो धरती का इलाज कर दे, सब ठीक हो जाएंगे, सब अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने वो काम शुरू किया और गोपालपुरा गाँव से शुरू किया था। आज 1200 गाँव में वो जो गाँव उजड़े हुए थे, बेपानी थे, वो पानीदार बन गए। और 12 नदियां
नौ नदियां राजस्थान में, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जाज वाली, साबी, महेश्वरा, शेरनी और तिवरा, ये नौ नदियां राजस्थान में हमने जो बिल्कुल जिनका धरती का पेट खाली हो गया था वो धरती का पेट पानी से भर दिया, और दो नदियां महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में सांगली जिले में अग्रणी नदी और महाकाली नदी, और एक कर्नाटक में इचनहल्ला, इनमें सब में पानी का काम शुरू किया, लोगों ने किया, अपने पैसे से किया, किसी से पैसा भी नहीं मांगा, और वो गांव पानीदार हो गए, और जैसे ही पानीदार हुए लोग गांव में आके खेती करने लगे, और वो जो रिवर्स माइग्रेशन था, हमने करीब 12 लाख लोगों को वापस रिवर्स किया होगा अपने इन इन इलाकों में। तो जब ये शहर छोड़ के गांव आए, तो शहरों की जो बढ़ती हुई आबादी है, ये ही तो भारत का सबसे बड़ा खतरा है, जो लैंडस्केप, डेंजरस लैंडस्केप क्रिएट कर रहा है। इस डेंजरस लैंडस्केप को, इस फ्यूचर अर्बन फ्यूचर के जो खतरे हैं, इनको यदि हम रोकना चाहते हैं, तो हमें गांव में खेती करने के लिए पानी, उनकी जो मिट्टी की सेहत खराब हो गई है उस मिट्टी की सेहत ठीक करना, और एक स्वावलंबी खेती को बढ़ावा देके गांव में लोगों को अपनी जमीन पर रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। गांव में होगा गांव का राज, गांव बनेगा गांव स्वराज, तब भारत बनेगा दुनिया का गुरु। बिल्कुल सही बात। रिवर्स माइग्रेशन को लेकर आप क्या कहना? नहीं, बहुत अच्छी बात। बुंदेलखंड के लगभग आधी आबादी दिल्ली, मद्रास, बंबई पहुंच चुकी है। सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, देश के ज्यादातर, मध्य भारत में लगातार ये चला हुआ है। और अगर पानी वहां रहा तो वो वहां रहेंगे, खेती रहेगी, रोजगार होगा, शायद पानी के रास्ते से हम कई सारी समस्याओं पर फतेह पा सकते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया हुआ है, वैसे ही एक पानी बचाओ अभियान की जरूरत है। और अकेले इस सूत्र से, खुलजा सिमटिम की तरह, हमारी बहुत सारी समस्याएं काबू में आ जाएंगी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए। धन दौलत की कंगाली को सहा जा सकता है, लेकिन पानी की कंगाली के साथ एक पल भी जिया नहीं जा सकता। बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट चल जाएगा, लेकिन पानी वाले अकाउंट का बैलेंस कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें नीचे लिखे ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।